हाय दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं इजी एक्सेल चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे ऑटोमेट वी लुकअप। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेट वी लुकअप ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। मतलब अगर आप एक वी लुकअप फंक्शन को ड्रैग करते हो या फिर कॉपी करके पेस्ट करते हो, मान लीजिए 10 सेल में आपने क्या किया, वी लुकअप फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट किया या फिर ड्रैग कर दिया, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हर सेल में जाके फंक्शन को एडिट करके उसको अपडेट करना पड़ता है। मतलब उसका कॉलम इंडेक्स नंबर, उसका रेंज वगैरह वगैरह ये सब ठीक करना होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है, तब ये हेक्टिक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो अगर अपडेट नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक ही दिखाएगा हर एक कॉलम के लिए। ठीक है, लेकिन ऑटोमेट वी लुकअप जो होता है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ठीक है, आपको मैनुअली अपडेट करने की दरकार नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बड़े बड़े डेटा के साथ काम करते हो तो तब ये हेक्टिक बन जाता है, ये नॉर्मल वी लुकअप। ठीक है, तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और ये फंक्शन सीख गया तो मैं 99.99% गारंटी देता हूँ कि आप वो नॉर्मल जो वी लुकअप है उसको भूल जाओगे और हमेशा ये ऑटोमेट वी लुकअप ही यूज करोगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह के डेटा के ऊपर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नेम है और जोन वाइज उस सारे प्रोडक्ट्स का सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे लिम्का का ईस्ट जोन का सेल्स वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल वी लुकअप लगाएंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट को एज ए प्रोडक्ट नेम को एज ए लुकअप वैल्यू लेंगे, उसके बाद रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग को ईस्ट का चाहिए, ईस्ट जोन का, तो ईस्ट जोन हमारे रेंज में 1, 2, 3 नंबर कॉलम में है तो 3 लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाते हैं 0, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए हम लोगों को मिल गया। अभी मान लीजिए मुझे नॉर्थ जोन का चाहिए, तो देखिए रिजल्ट एक ही रह गया लेकिन चेंज नहीं हुआ। अभी क्या करना होगा, अभी हम लोगों को ये चेंज करना होगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर, इसको हम लोगों को 4 करना है। तो देखिए हम लोगों को मिल गया लिम्का का नॉर्थ जोन का। तो क्या हो रहा है कि आपको ये यहाँ पे मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं ईस्ट जोन का देखना चाहूँ तो देखिए फिर से आपको यहाँ पे जाके मैनुअली ये कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा, लेकिन अगर आप ये ऑटोमेट वी लुकअप यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पेप्सी का दिया हुआ है, वेस्ट जोन का सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मान लीजिए मुझे देखना है नॉर्थ जोन का, देखिए ऑटोमेटिक दिखा दिया नॉर्थ जोन का पेप्सी का सेल्स वॉल्यूम। अभी मुझे देखना है ड्यू का, तो देखिए ड्यू का नॉर्थ जोन का यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम दिखा दिया। अभी देखना है मुझे वेस्ट जोन का, ड्यू का वेस्ट जोन का सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे दिखा दिया। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, बस आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है कि आपको क्या चाहिए, ये ऑटोमेटिकली वैसे फंक्शन चेंज होता जा रहा है और आपको रिजल्ट दिखाता जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले हम लोग वी लुकअप लगाएंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट नेम के अनुसार ही सारे डेटा ला रहे हैं तो वही होगा लुकअप वैल्यू। ओके, उसके बाद हम लोग रेंज सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉमा लगाएंगे, उसका लगाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम लोग नॉर्मल लगाते हैं वैसे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे और एक फंक्शन ऐड करेंगे जो कि होगा मैच फंक्शन। ठीक है, अभी मैच फंक्शन का लुकअप वैल्यू क्या होगा, मैच फंक्शन का लुकअप वैल्यू होगा जोन नेम। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जोन नेम सिलेक्ट किया, शायद फंक्शन की वजह से आपको नहीं दिख रहा है। तो देखिए पीछे मैंने जोन का नेम जो है उसको एज ए लुकअप वैल्यू लिया फॉर मैच फंक्शन। ठीक है, उसका कॉमा लगाएंगे। मैच फंक्शन का जो लुकअप एरे या फिर रेंज होता है वो एक रो या फिर एक कॉलम होता है, मतलब ये एक कॉलम होता है या फिर ऐसे एक रो होता है, ये ऐसे मल्टीपल रोज और कॉलम्स को लेके नहीं काम कर सकता है। ठीक है, तो अभी देखना होगा कि हम लोग जो लुकअप वैल्यू लिया मैच फंक्शन के लिए वो कहाँ पे है, किसी एक कॉलम पे है या फिर किसी एक रो पे है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जोन नेम कहाँ पे है, जोन नेम ये इस रो पे है, तो हम लोग इसको एज ए रेंज ले लेंगे मैच फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ले लिया, उसके बाद कॉमा डाल दिया, उसके बाद 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, तो ये 0 हो गया मैच फंक्शन के लिए, ब्रैकेट क्लोज, मतलब यहाँ तक मैच फंक्शन खत्म। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के फिर से 0 लगाएंगे, ये हो गया वी लुकअप के लिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो देखिए हम लोग को मिल गया ड्यू का वेस्ट जोन का सेल्स वॉल्यूम। अभी मान लीजिए मैं देखता हूँ स्प्राइट का, ठीक है, सॉरी ये तो जोन है। अच्छा, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्प्राइट और यहाँ पे लिख देते हैं साउथ। तो देखिए यहाँ पे स्प्राइट का साउथ का सेल्स वॉल्यूम दिखा दिया, यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ, तो देखिए यहाँ पे दिखा दिया नॉर्थ का क्या सेल्स वॉल्यूम है। ठीक है, अभी करते हैं एक बार और फ्रूटी, तो देखिए यहाँ पे फ्रूटी का
सेल्स वॉल्यूम दे दिया नॉर्थ जोन का, देखिए। ठीक है दोस्तों, अभी एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैच फंक्शन कैसे काम करता है, जिन लोगों को पता नहीं। अगर आप डिटेल्स में जानना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, या फिर फेसबुक पेज इजी एक्सेल में जाइए, वहां पे मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हूँ मैच फंक्शन के ऊपर एक वीडियो बना के, ठीक है, जहां पे मैंने पूरे डिटेल्स में बताया मैच फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ मैच फंक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए मैच फंक्शन लगाते हैं, इज इक्वल टू मैच, मैंने देखिए यहाँ पे मैच फंक्शन लगा दिया। उसके बाद लुकअप वैल्यू, एक लुकअप वैल्यू चूज करना होता है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, उसको एज ए लुकअप वैल्यू हम लोग चूज करेंगे। अभी क्या है, अभी आपको देखना पड़ेगा ये लुकअप वैल्यू कहाँ पे, हो सकता है एक रो में है या फिर हो सकता है एक कॉलम में है। ठीक है, आप मैच फंक्शन में ऐसे मल्टीपल रोज या फिर मल्टीपल कॉलम चूज करके नहीं कर सकते हैं काम, तब ये नहीं काम करेगा। आपको या तो एक रो चूज करना पड़ेगा या फिर एक कॉलम चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रो चूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जीरो लगाएंगे फॉर एग्जैक्ट मैच। ठीक है, बस हो गया मैच फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अभी यहाँ पे लिख दीजिए कोई जोन का नेम, लिख दीजिए साउथ। तो देख देखिए दिखा दिया कि साउथ पांच नंबर, मतलब क्या होता है, आपने जो रेंज सिलेक्ट किया उस रेंज में इस लुकअप वैल्यू का क्या पोजिशन है वो दिखाता है। देखिए, तो मैंने जो रेंज सिलेक्ट किया था यहाँ से प्रोडक्ट से लेके साउथ तक, तो उस रेंज में साउथ का पोजीशन जो है 1 2 3 4 5, तो ये पोजीशन दिखा दिया। ठीक है, अभी देखिए नॉर्थ, देखिए नॉर्थ का 4 नंबर पोजीशन दिखा दिया। तो मैच फंक्शन ऐसे ही काम करता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अभी ये जो ऑटोमेट वी लुकअप है इसका कहाँ पे ये अटकता है एक बार बता देता हूँ आपको लोगों को। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे गलती हो सकता है, कैसे हो सकता है, दोनों का रेंज एक ही जगह से शुरू होना चाहिए। मतलब वी लुकअप देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और मैच का भी जो रेंज है मैंने क्या किया, यहाँ से लेके किया यहाँ तक। ठीक है, मतलब आप ना ये जो मैच का जो रेंज है आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते हो, मतलब ये वेस्ट लेके यहाँ तक ऐसे नहीं शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, आप जहाँ से वीलू कप का रेंज ले रहे हो वहां से आपको शुरू करना होगा। इससे दिक्कत क्या होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, A1 से शुरू किया, मैं इसको कर देता हूँ B1। ठीक है, मतलब अब ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन वी लुकअप का जो रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया। ठीक है, अभी देखिए क्या दिक्कत होता है, देखिए फ्रूटी का नॉर्थ जोन का दिखा रहा है सेल वॉल्यूम ये, लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे इसका जो काउंट यहाँ पे निकलता है मैच फंक्शन लगा के वो गलत हो जाता है, क्योंकि तब वो यहाँ से काउंट करता है 1 2 3 4। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका हो गया 3, और ये मैच फंक्शन में इसका काउंट आया 3, लेकिन लुकअप वैल्यू में मतलब वी लुकअप में जो हम लोग रेंज लगाया वहां पे 3 नंबर कौन है, 3 नंबर ये है। तो ये मैच फंक्शन बता रहा है भाई आप मुझे 3 नंबर वाला डेटा दिखाओ, और वी लुकअप समझ रहे क्या 1 2 3, मतलब मैच फंक्शन इस कॉलम की बात कर रहा है तो इसका डेटा दिखा रहा है। तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग एक होना चाहिए, मतलब दोनों का रेंज सेम होना चाहिए। हाँ, अभी खत्म, मतलब आप वी लुकअप यहाँ तक लाए तो मैच फंक्शन को आप यहाँ तक नहीं ला सकते हो, क्योंकि वो मल्टीपल रोज और कॉलम के ऊपर काम नहीं कर सकते, इसलिए वो बस एक रेंज या फिर एक रो या फिर एक कॉलम को लेकर काम करता है। ठीक है, तो दोनों का स्टार्टिंग एक होना चाहिए, उसके बाद आप मतलब मैच फंक्शन चाहे एक रो या फिर एक कॉलम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग एक ही जगह से होना चाहिए, हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है, नहीं तो आपका फंक्शन गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे ये सबसे ज्यादा यूज होता है, किस तरह के डेटा के ऊपर। देखिए देखिए यहाँ पे एक तो डेटा है, सेम डेटा जैसे मैंने शीट 1 में यूज किया। ठीक है, डेटा, और यहाँ पे भी एक ब्लैंक डेटा है जहां पे हम लोग वी लुकअप लगा के लाएंगे, ऑटोमेट वी लुकअप लगा के लाएंगे। ठीक है, अभी देखिए प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जिस सिक्वेंस में है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेम सिक्वेंस में नहीं है, यहाँ पे रैंडमली दिया हुआ है, और जोन भी यहाँ पे देखिए रैंडमली दिया हुआ है, मतलब डीयू माजा स्प्राइट, लेकिन यहाँ पे माजा पेप्सी कोको कोला, डीयू नीचे है स्प्राइट भी नीचे है। यहाँ पे देखिए वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे दिया हुआ है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह के डेटा के ऊपर आपको क्या करना था, आप पहले सॉर्ट करोगे, इसकी सीक्वेंस में लाओगे, उसका वी लुकअप लगाओगे, या फिर मान लीजिए ये तो वी लुकअप लगा के आ जाता, लेकिन ये हर बार आपको मैनुअली वो कॉलम इंडेक्स नंबर अपडेट करना होगा या फिर चेंज करना होगा, तब जाके आएगा। लेकिन देखिए मैं क्या करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हम लोग इस प्रोडक्ट नाम को ही लेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के हम लोग क्या करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और रेंज को फिक्स कर देंगे,
क्यों फिक्स करेंगे? क्योंकि हम लोग इसी रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज को फिक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच फंक्शन लगा दिया। अभी मैच फंक्शन का जो लुकअप वैल्यू होगा वो होगा ये जोन नेम, क्योंकि ऑलरेडी जोन नेम यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ही एज ए लुकअप वैल्यू लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मैच फंक्शन का रेंज कौन सा होगा, ये रो होगा, क्योंकि इस रो में ये सारे जोन का नेम दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी फिक्स कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगा के जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे खत्म हो गया हम लोग का मैच फंक्शन। फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के जीरो, यहाँ पे खत्म होता है हम लोग का वी लुकअप फंक्शन। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग एंटर दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया, देखते हैं। माजा का ईस्ट जोन का सेल्स वॉल्यूम है 14,757। तो दोस्तों यहाँ पे ये आ गया, देखिए, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा थोड़ा बड़ा कर देते, रुकिए, बड़ा हो गया। अभी मान लीजिए मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, देखिए यहाँ पे एने आ गया, एरर आ गया, मतलब कुछ गलती हो गया, ठीक है। तो क्या गलती हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे चेंज हो गया, मतलब वी लुकअप का वैल्यू तो सही है, प्रोडक्ट नेम ले रहा है, लेकिन मैच का जो लुकअप वैल्यू है वो चेंज हो गया, वो जोन नेम ना लेके ऊपर का जो वैल्यूम है वो वॉल्यूम ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इसको फिक्स नहीं किया, यहाँ पे फिक्स करना होगा, इसको बताना पड़ेगा कि भाई आप इसी रो में रहिए, कॉलम चेंज हो सकता है लेकिन रो में रहिए, कॉलम ये चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे तो कॉलम चेंज हो जाएगा, तब ये इस जोन का नेम लेगा। तो ऐसे करके हम लोग को कुछ फिक्स करना होगा। तो देखते हैं हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ये रो फिक्स होना चाहिए, मतलब इस रो से ना नीचे आए, ठीक है, और कॉलम चेंज हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉलम ना चेंज हो तब जाके दिक्कत होगा। तो कॉलम चेंज होना चाहिए लेकिन रो नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन कॉलम चेंज होना चाहिए। तो हम लोग को क्या फिक्स करना होगा, हम लोग को ये रो फिक्स करना होगा। तो रो नंबर क्या है, एक। तो एक के आगे जाके हम लोग यहाँ पे डॉलर साइन लगाएंगे। तो चलिए देखिए ये फिक्स हो गया। अब इसको एंटर दबाते हैं, देखिए नीचे तक इसको ड्रैग करते हैं, तो देखिए सारा डेटा यहाँ पे आ गया। लिम्का के लिए, ईस्ट जोन के लिए 14,868, तो देखिए यहाँ पे 14,868 आ गया, ठीक है दोस्तों। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में ट्रैक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एन आ गया, क्यों एन आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो मैच का लुकअप वैल्यू सेम है लेकिन वी लुकअप का जो लुकअप वैल्यू है वो चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए H2 में आ गया, मतलब ये हो गया। अभी ये तो लुकअप वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट नेम के अनुसार ये सारे डेटा को ला रहे हैं। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ, यहाँ पे गलती हुआ, हम लोग लुकअप वैल्यू, वी लुकअप का जो लुकअप वैल्यू है उसको फिक्स नहीं किया। तो इसको कैसे फिक्स करना होगा, देखिए सारे प्रोडक्ट का सारे जो लुकअप वैल्यू है वी लुकअप का वो हमारे प्रोडक्ट नेम है, तो ये कॉलम में सारे लुकअप वैल्यू है, तो हम लोग को ये कॉलम फिक्स करना होगा, लेकिन रो चेंज होना चाहिए, मतलब ये सारे रो चेंज होना चाहिए लेकिन ये कॉलम फिक्स होना चाहिए। तो कॉलम का एड्रेस क्या है, इस कॉलम का एड्रेस है जी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आके जी के आगे डॉलर साइन लगाएंगे, ठीक है। बस देखिए हो गया। अभी इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे और इसको साइड में ड्रैग करेंगे, तो देखिए सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अभी देख लेते हैं एक बार मिरिंडा कहाँ पे, मिरिंडा देखिए मिरिंडा का जो वेस्ट जोन का सेल्स वॉल्यूम है, देखिए मिरिंडा का वेस्ट जोन का है 14,848, तो देखिए 14,848, ठीक है। अभी थम्स अप देख लेते हैं एक बार, थम्स अप का क्या है, नॉर्थ जोन का 7,688, तो देखिए यहाँ पे 7,688, तो मतलब सारे डेटा जो है वो एक्यूरेटली हम लोगों को मिल गया, चाहे वो रैंडमली रैंडम सीक्वेंस में रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाता है। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन लगाया, उसके बाद इसको ट्रैक कर दिया साइड में, नीचे सारे डेटा आपको मिल गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही काम करता है ऑटोमेट वी लुकअप, बस आप एक बार सही तरीके से फंक्शन को लगाइए, थोड़ा ध्यान में रखिएगा जब ये यहाँ पे आप फिक्स कर रहे हो, ठीक है। ये फिक्स करने की पोजीशन जगह जहाँ पे आता है वहां पे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, गलती यहाँ पे ही होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बस अरे ये बहुत आसान फंक्शन है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको वैल्यू का फंक्शन नहीं आता है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप मेरे चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में जाइए, ईजी एक्सेल में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए वैल्यू का
लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कि ऑटोमेट वी लुकअप कैसे काम करता है। बहुत ही यूजफुल है, अगर आप ये एक बार सीख गए तो नॉर्मल वी लुकअप आप जस्ट भूल जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, नया फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।